हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एयरलाइंस मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो। और इससे प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था व्यू कैंसिल टिकट, जहां पे हम लोग अपने सारे कैंसिल वाले टिकट को देख रहे थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चेक पेमेंट डिटेल की, हम लोग अपना पेमेंट कैसे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये वाला पूरा फ्रेम हम डिजाइन करेंगे आज की वीडियो में। बिल्कुल सिमिलर है जो इससे मैंने प्रीवियस वाली क्लास बनाई थी, बट वहाँ पे कुछ ही चीज़ें चेंजेस हैं। जो भी चेंजेस हैं वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करते हैं, पूरा बैकग्राउंड इमेजेस, और यहाँ पे टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, वीडियो आप प्लीज़ पूरी एंड तक देखना। बाकी अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, आप मेरे चैनल पर आके पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स अपनी बताई हैं, जो भी अभी तक मैंने पूरे प्रोजेक्ट में बनाया हुआ है। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसकी पीपीटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनोप्सिस, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी कैसे, अगर जैसे वाला आप फ्रेम देख रहे हो, यहाँ पे मैं किसी भी यूजर नेम या फिर किसी भी यूजर की डिटेल यहाँ पे ऐड करता हूँ, और उसके नाम पे कोई फ्लाइट अगर बुक है तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, तो गैस ये फ्रेम स्टार्ट करने के लिए मेरे को सबसे पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी, जो कि मैं अपने प्रीवियस वाली क्लास में आपको बना के बता चुका हूँ, जो कि जहाँ पे मैंने सिंपल कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी। चेक पेमेंट डिटेल वाली एक क्लास मैंने बनाई थी आप वहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ से अगर कॉपी कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैं फ्लाइट जोन से एक्सटेंड जेफ फ्रेम को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इस छोटी छोटी चीज़ें मैं कॉपी वहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, और वैसे उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स ऐड कर लेता हूँ अपने कोड में, बिकॉज उनकी नीड्स मेरे पड़ेगी, उनकी नीड्स मेरे को पड़ेगी। दो बार मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, मैं इसको सिंपल कोमा सेपरेटेड भी कर सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है, अब बस इतना करने के बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे अपना मेन मेथड बनाना है। बस उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड बनाता हूँ और वॉइड, और उसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे इनिशियलाइज। ठीक है, बाकी जो कोडिंग्स करूंगा मैं इसके अंदर करूंगा, और सेम यही वाला मेथड जो है मैं यहाँ पे इसको कॉल करा लूँ। ठीक है, और वैसे उसके बाद सिंपल मेरे को अपने फ्रेम का साइज वगैरह सेट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा सेट टाइटल, और टाइटल में जो आप कॉर्नर में देख रहे थे पेमेंट डिटेल्स के लिए, वो डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है, उसका गेट कंटेंट पैन के थ्रू मैंने, मेथड के थ्रू मैंने उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट ऐड किया, बाकी उसका साइज मैंने सेट किया, और उसका लेआउट जो था वो मैंने यहाँ पे नल ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद गए सिंपल मेरे को यहाँ पे एक ना एक लेवल्स बनाना है। लेवल्स बनाने के लिए सिंपल मैं जे लेवल क्लास का यूज करूंगा, एफ कोड। मैं इस वाले वेरिएबल को सिंपल यहाँ पे भी मेंशन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एक न्यू मेथड, सॉरी न्यू वेरिएबल मैंने जब जे लेवल क्लास के थ्रू मैं यहाँ पे बना लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, और उसके अंदर मैंने वैल्यू डिफाइन की, जो भी मेरे को टेक्स्ट वहाँ पे प्रिंट करना है यूजर नेम के लिए। ठीक है, और बाकी उसमें तो मैंने यहाँ पे सिंपल फॉन्ट ऐड किए हैं, और कहाँ से कहाँ तक वो प्रिंट होना चाहिए वो डिटेल यहाँ पे ऐड करने के बाद मैंने सिंपल उसको ऐड कर दिया अपने कॉम्पोनेंट में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो जो यूजर नेम आ रहा है उसी का मैंने यहाँ पे साइज वगैरह सेट किया हुआ है, एक्स अक्ष से वाई अक्ष से उसकी कितनी विड्थ और कितनी उसकी हाइट होने वाली है। ठीक है, सेम काम मेरे को यहाँ पे अपने टेक्स्ट फील्ड के लिए भी करना है और बटन के लिए भी करना है, क्योंकि बटन्स बनाना और टेक्स्ट फील्ड बनाना, फिर उनको मेरे को अपने जो भी फ्रेम है उसमें मेरे को अपना ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड। तो गाइस उसके लिए अभी मेरे को यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था जे लेवल, ठीक है, उसका मैंने एक वेरिएबल लिया था क्लास टाइप का, जे लेवल क्लास का। यहाँ पे सिंपल मेरे को जे टेक्स्ट फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड क्लास एक वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसी वेरिएबल को यहाँ पे यूज करूंगा सिंपल, लाइक टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और सिंपल उसको मैंने सेट हाइट विड्थ उसकी सेट कर दी, बिकॉज एक्स सॉरी वाई से तो दोनों सेम ही रहेंगे, बिकॉज दोनों सेम लाइन में है। आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो दोनों का जो वाई से डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, बटन का भी सेम रहेगा, एक्स अक्ष से चेंज हो जाएगा, बाकी हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर फॉन्ट ऐड करने के बाद सेम टू सेम मैंने उसको भी अपने फ्रेम में ऐड कर दिया। यही सेम काम का इस मेरे को बटन्स के लिए भी करना अपना। ठीक है, अब बटन्स का मैंने यहाँ पे वेरिएबल कोई अभी बनाया नहीं है, तो सिंपल मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, लाइक मैं बनाऊंगा यहाँ पे जे बटन, और बटन का मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ यहाँ पे, बीटी बन या फिर बटन्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम बटन का नाम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बटन पे सो लिख रखा है टेक्स्ट फील्ड, तो ठीक है मैं बटन का नाम भी यहाँ पे सो ही लिख सकता हूँ। ठीक है, सो इक्वल टू न्यू जे बटन, और उसके अंदर जो वैल्यू देनी है मेरे को वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। बाकी उस बटन पे फॉन्ट ऐड करने के बाद बैकग्राउंड कलर व्हाइट, सॉरी बैकग्राउंड कलर उसका मैंने ब्लैक और फोरग्राउंड कलर व्हाइट करने के बाद उसमें मैंने सेट बाउंस मतलब उसकी हाइट विड्थ सेट कर दी, और कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज कॉमन है यहाँ पे तीनों में, जो वाई से उनकी विड्थ रहने वाली, लाइक जो भी हाइट रहेगी, सॉरी जो भी गैप रहेगा वाई एक्स से, वो सेम टू सेम है, तभी वो तीनों सेम लाइन में आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है, और उसको भी मैंने अपने फ्रेम में ऐड करा दिया है। इतना करने के बाद गाइस अभी मेरे को यहाँ पे अपने इस फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कोई टेबल्स नहीं बनाई है। टेबल्स बनाने के लिए भी मेरे को यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे जे टेबल्स क्लास की ऑलरेडी एक वेरिएबल ले रखा है टेबल। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल इक्वल टू
न्यू जे टेबल, ठीक है। इतना करने के बाद मेरे को टेबल्स कहाँ पे प्रिंट करनी है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब एक्स से मेरे को 93, लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स से जो है टेबल का, जो यहाँ पे आप टेबल्स के लिए देख रहे हो वो 93 गैप आ रहा है, और वाई से जो भी गैप मैंने यहाँ पे देना था 297, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद उस टेबल को भी मैंने अपने फ्रेम में ऐड किया। अगर आप इस वाले फ्रेम में देखो तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, चेक पेमेंट डिटेल, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है आपका हेडिंग, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी ले रखा सेक्टर के लिए, तो ठीक है आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने एंड पे, बट मेरे को सेम टू सेम यही वाला वेरिएबल यूज करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सेक्टर इक्वल टू न्यू जे टेबल, बिकॉज ऑलरेडी मैंने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है तो मेरे को दोबारा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। चेक पेमेंट डिटेल उसके अंदर जो मेरे को वैल्यू देनी है वो वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे। सेट फोरग्राउंड कलर मेरे को उसको ब्लू करना था तो मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया जैसा आप फ्रेम में देख रहे हो। बाकी फोन ऐड करने के बाद मैंने उसको सेट बाउंस कर दिया, ठीक है, मतलब कि अपने फ्रेम में ऐड कहाँ पे करना है वो मैंने ऐड कर दिया। हाइट और ब्रेथ उसकी मैंने सेट कर दी यहाँ पे, बाकी ऐड कर दिया मैंने उसको अपने फ्रेम में जो भी मेरा वेरिएबल था, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे गाइस इस वाले फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे कुछ और भी लेवल्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं मैंने अपने फ्रेम में, से टिकट आईडी, प्राइस, जर्नी डेट, जर्नी टाइम, यूजर नेम और स्टेटस, ठीक है, इनको भी मैंने सेट किया हुआ है। लाइक टिकट आईडी कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, प्राइस कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे देखो लेवल्स ऑलरेडी बना रखे हैं, फ्लाइट कोड, कैपेसिटी, क्लास कोड, क्लास नेम, लेवल, ठीक है, तो वो सेम टू सेम यही है। और गाइस बाकी आप इनका नेम चेंज कर सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पे पहले कुछ और प्रिंट कराया था, ठीक है, बट अभी आप इनका नेम अपने एंड पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इन्हीं वाले वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने कोड को लिखूंगा। लाइक जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखोगा आप फ्लाइट कोड के लिए मैंने यहाँ पे टिकट आईडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे फ्लाइट कोड की जगह वेरिएबल का नेम चेंज कर सकता हूँ टिकट आईडी, ठीक है, बिकॉज ये कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको भी कि फ्लाइट कोड है और हम टिकट आईडी प्रिंट कर रहे हैं, तो आप फ्लाइट कोड की जगह टिकट आईडी रख सकते हो, नेम वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने टिकट आईडी को कहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, उसके जो भी कोऑर्डिनेशन है कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह गाइस मैंने यहाँ पे प्राइस के लिए, जर्नी डेट के लिए, जर्नी टाइम और यूजर नेम और उसका स्टेटस क्या है हमारी फ्लाइट का, वो मैंने डिटेल यहाँ पे अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग ऐड की हुई है, ठीक है, उनकी कोडिंग मैंने उसी के अकॉर्डिंग की हुई है। और बाकी जो यहाँ पे आप नेम देख रहे हो वेरिएबल्स के वो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए थे तो मैंने इन्हीं को यूज किया है, ठीक है। और लास्ट वाले जो दो वेरिएबल्स हैं वो मैंने यहीं पे डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइस हमारी यहाँ पे रह जाती है इमेज, जो कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, ठीक है, तो उस वाली बैकग्राउंड वाली इमेज को मैंने ऐड किया हुआ अपने इस वाले वेरिएबल में, जो यहाँ पे आप देख रहे हो लेवल्स नाम का जे लेवल क्लास एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे लेवल, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपनी इमेज को ऐड किया हुआ है। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा। लाइक सबसे पहले तो मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इस वाले वेरिएबल का, और यहाँ पे मैंने कुछ एक नल वैल्यू ऐड की हुई है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं ऐड करो तो बाई डिफॉल्ट नल वैल्यू होती है, ठीक है। इमेज ऐड करने के लिए सिंपल मैंने ये कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ये कोडिंग बहुत सिंपल है, हर क्लासेज मैंने बताई है आपको, ठीक है। उसके बाद जो भी लेवल्स है उसको मैंने आइकन में कन्वर्ट करा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मैंने सेट आइकन किया अपने लेवल में। उसके बाद उस अपनी इमेज को कहाँ पे प्रिंट कराना, एक्स से 0 वाई एक्स से 0 होने चाहिए वो, मतलब कि इस वाले फ्रेम में एक्स से 0 वाई से 0, मतलब कि स्टार्टिंग से जहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है वहीं से इमेज हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, और जो हाइट और ब्रेथ रहेगी वो सेम टू सेम हमारे जो भी हमारा फ्रेम है उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे करना है सेट विजिबल ट्रू, ठीक है। अगर मैं एक बार इसको अब रन करता हूँ यहाँ पे, अभी देखोगे तो यहाँ पे एक एरर आ रही है बिकॉज नल पॉइंटर एक्सेप्शन की, ठीक है, वो इसलिए आ रही है बिकॉज मेरे को यहाँ पे अपना नेम चेंज करना पड़ेगा, AMS करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पैकेज का नाम AMS ही है यहाँ पे। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो भी लाइक डिटेल्स हैं वो सेम टू सेम यहाँ पे प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। इस तरह फ्रेम मेरा प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डिटेल लिख कर कोई भी यूजर नेम अगर XYZ लिख कर 100 पे क्लिक करो तो कोई डिटेल्स नहीं होगी, बिकॉज मैंने अभी 100 बटन पे कोई भी कोडिंग नहीं की है, ठीक है। सिंपल इसी के लिए हमें एक यहाँ पे एक्शन लिसनर ऐड करना पड़ेगा, सो डॉट एड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा न्यू एक्शन लिसनर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म नाम का मेथड ओवरराइड करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे ट्राई कैच से कनेक्शन बनाया अपना, अलग ट्राई कैच लगाया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने जो भी वैल्यू हम अपने टेक्स्ट फील्ड में लिखेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी XYZ वैल्यू लिखी, ठीक है, उस वैल्यू को पहले मेरे को एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में लेके आना है, जो भी यूजर नेम रहेगा, यूएसएन नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, टेक्स्ट फील्ड जो भी लाइक टेक्स्ट फील्ड का मेरा यहाँ पे वेरिएबल था, आप यहाँ पे चेकआउट करोगे टेक्स्ट फील्ड नाम का जो वेरिएबल था वहाँ से वैल्यू गेट की मैंने गेट टेक्स्ट डेटाबेस से कनेक्शन बनाया अपना, कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट बनाया मेरा मतलब है। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है TID, प्राइस, जर्नी डेट, जर्नी टाइम,
यूजर नेम, स्टेटस फ्रॉम कहाँ से, जो मेरी फ्लाइट है बुक्ड फ्लाइट, मतलब जो फ्लाइट अब बुक हो चुकी है उसी की तो डिटेल मेरे को यहाँ पे चेक करनी है अपनी पेमेंट चेक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाई मैंने, वेयर यूजर नेम, लाइक जो भी यूजर नेम मैंने वहां पे दिया हुआ उसी यूजर नेम की डिटेल्स वहां पे आए और उसका स्टेटस सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि फेल वाली फ्लाइट की डिटेल गेट करके हम क्या ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिजल्ट सेट के थ्रू अपना लाइक क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो एक एरर आ रही है, बिकॉज टेबल में मेरे को ऐड कराना सेट मॉडल, ये एक मेथड होता है हमारे टेबल प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी, सिंपल मैं यहाँ पे जाकर इसको कॉपी करूंगा प्रीवियस क्लास से जो मैंने फ्लाइट जोन में ऐड की थी, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे जैसे पेस्ट किया वो एरर यहाँ से हट चुके, ठीक है। उसके बाद मैंने टेबल पर फॉन्ट ऐड किए हुए हैं अपने, बाकी अपना कैच वाले ब्लॉक को यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, ठीक है। और कैसे उसके बाद अपना मेरे को यहाँ पे सिंपल सेट साइज वगैरह करना है और सेट लोकेशन करनी है कहाँ पे मेरा फ्रेम ओपन होना चाहिए, उसके बाद सेट विजिबल ट्रू, ठीक है। अगर मैं एक बार इसको फाइनली रन करता हूँ अपनी इस क्लास को यहाँ से, तो आप देखोगे पूरा एक फ्रेम मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है, जैसा मेरे को फ्रेम इतना चाहिए था। अगर मैं कोई भी डिटेल्स गाइस यहाँ पे गेट करूँ, सबसे पहले मैं एक बार डेटाबेस में जाकर देखता हूँ कौन सी डिटेल्स अभी है मेरे डेटाबेस में एडिट, जो भी करंटली है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार क्रोम बुक फ्लाइट, और यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो अभी मेरे पास एक ही डिटेल है जो कि कैंसिल वाली है, ठीक है। और गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर नेम और डेस्टिनेशन में वैल्यू गलत आ रही है, ठीक है। बुक्ड फ्लाइट की जो वैल्यूज आ रही है वो गलत फिल हो रही है यहाँ पे। अगर मैं एक बार बुक्ड वाली फ्लाइट पे जाके इसको चेकआउट करें तो हम इसी वाली वीडियो में इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो नेम में तो वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रही है, नेम में आ रहा है हमारा एक्स वाई जेड, यूजर नेम आ रहा है वो एक्स वाई जेड 1 2 3, ठीक है। पर जब हमने अपनी फ्लाइट को बुक किया था यहाँ पे बुक्ड फ्लाइट को, यहाँ पे वैल्यूज वो आगे पीछे हो गए, आई मीन चेंजेज हो गई है वैल्यू वहाँ पे, ठीक है। देखो यूजर नेम में वैल्यू ठीक आ रही है, हमारा यूजर नेम बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके एक्स वाई जेड 98 के लिए फ्लाइट अपनी बुक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं गोवा पे गया, नॉर्मल पे जाके मैंने ये वाली फ्लाइट एक बुक कर ली यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे फ्लाइट को बुक करता हूँ, फ्लाइट में सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। अगर मैं एक बार इसको फिर से जाकर डेटाबेस में देखूँ तो यहाँ पे आप देखो यूजर नेम में गोवा आ रहा है, जबकि यूजर नेम में मेरा ये वाला नेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा डेटाबेस में चेंजेस हो गया, एक बार हम इसको चेकआउट कर लेते हैं अपने डेटाबेस में जाके। अभी का इस यहाँ पे आप देखोगे तो हम CH6 से अपना यूजर नेम गेट कर रहे थे अपने उस वाली क्लास में, बट CH6 पे हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कोड हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, बाकी जो अभी यहाँ पे आप देखो यूजर नेम में CH6 है और यहाँ पे आप देखो डेस्टिनेशन और यूजर नेम के चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। और जो यूजर नेम हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं वो CH6 से कर रहे हैं, डेस्टिनेशन कर रहे हैं CH2 से, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे CH6 लिखूंगा और सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा CH2, ठीक है। एक बार हम फिर से इसी वाले क्लास को रन करके और एक न्यू फ्लाइट बुक करते हैं, देखते हैं वो फ्लाइट हमारी ठीक से बुक होती है या नहीं होती, ठीक है। और जैसे मैं बुक्ड फ्लाइट करूँगा, सक्सेसफुली फ्लाइट मेरी बुक हो चुकी है अभी का इस। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो सेकंड नंबर वाली लाइन जो अभी हमने ऐड की है वो बिल्कुल ठीक हो ऐड हो रही है, ठीक है। मतलब कि मेरा सोर्स दिल्ली है और डेस्टिनेशन मेरी गोवा है, यूजर नेम मेरा ये रहा, ठीक है। तो अभी मैं इस वाले यूजर नेम के लिए और जो अभी करंट फ्रेम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, मैं उसको टेस्ट करता हूँ अपने इस वाले फ्रेम के लिए, ठीक है। जैसे मैंने 100 पर क्लिक किया, उस वाले बंदे की डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी है, मतलब कि मेरे को शो हो रही है, ठीक है। जो टिकट आईडी है, उसका प्राइस है, जर्नी डेट, जर्नी टाइम, यूजर नेम और उसका स्टेटस, ठीक है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई क्लासेस बची है, मुझे लगता है प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरे एंड पे, ठीक है। मैंने प्रॉपर इस वाले पूरे प्रोजेक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस पीपीटी का भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और गाइस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो आप लोग उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो और अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, कॉलेज ग्रुप में, ठीक है। तो गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।